हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया था बहुत ही टेस्टी थाली, चावल सब्जी पूरी और साथ में बनाया था खीर। बहुत ही टेस्टी बनाया था, 1 घंटे में ये रेसिपी बनके तैयार हो गया था। तो इसके लिए मैंने 2 आलू और मूंगा कट कर लिया है। आलू को अच्छे से छील ली हूँ, मूंगा को भी अच्छे से साफ कर ली हूँ, सभी सब्जियों को धो ली हूँ मैं। और इधर आलू को बड़े बड़े पीस में कट कर रही हूँ मैं, 2 आलू ली हूँ और बैंगन को भी कट कर रही हूँ। आप कोई सा भी बैंगन ले सकते हैं, मैं ये वाली बैंगन ले रही हूँ। इसका कलर एकदम हरा और थोड़ा सा डार्क में है, तो इसको मैं इस तरह से चार चार पीस करके 8 पीस कर दे रही हूँ। बड़े बड़े पीस में रख रही हूँ। मैं एक ही बैंगन ले रही हूँ, 2 से 3 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। इधर गैस ऑन कर ली थी, सब्जी सारे कट हो गए थे, फिर कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई जब गर्म हो गया था ना, तो तेल डाल दी थी, फिर साथ में मैं मुनगा को डाल दी थी, फिर ये साथ में ये बैंगन और साथ में आलू को भी डाल देना है। इसको ना हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मिक्स करना है, सभी तरफ अच्छे से तेल जब मिक्स हो जाएगा ना, तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम को लो कर दी थी। और इधर देखिए, मैं चावल, जो टूटा हुआ चावल आता है ना, जो खीर के लिए अच्छा रहता है, उसको मैं 15 मिनट पहले अच्छे से धो के भिंगा दी थी। फिर एक्स्ट्रा जो पानी है ना, उसको निकालते हुए कुकर में डाल रही हूँ। कुकर में आज बना रही हूँ मैं खीर, जिससे बहुत जल्दी बन जाएगी खीर और बहुत ही टेस्टी बनेगी। सभी को कुकर में डालने के बाद मैं इसमें दूध डाल दे रही हूँ, लगभग आधा लीटर दूध डाल दी हूँ। फिर इसमें डाल दे रही हूँ चीनी, शक्कर, अपने हिसाब से शक्कर डालिएगा। मैं थोड़ा सा मीठा कम बनाऊँगी, इसीलिए मैं 4 चम्मच डाली हूँ, बड़ी चम्मच से। ढक्कन लगा दी हूँ और इधर देखिए, ये भुन ही रहा है, तो दूसरे गैस पे रख दे रही हूँ। कुकर को ढक्कन लगा दी थी, फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर दी थी। फिर इधर देखिए, मैं मुनगा आलू बैंगन को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि सभी साइड से अच्छे से ये पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, सेलो फ्राई ही करना है। फिर इधर 2 प्याज जो ली थी ना, उसको भी लंबे लंबे कट कर ले रही हूँ। 2 प्याज कट करके इधर देखिए, 2 से 3 टमाटर ली हूँ, उसको भी बड़े बड़े साइज़ में कट कर ले रही हूँ। साथ में छोटा टुकड़ा अदरक के ली हूँ, 8 से 10 के लिए लहसुन की, फिर 2 से 3 हरी मिर्च। इसको डाल देना है मिक्सर जार में। इसमें फिर डालना है सरसों या राई, इसको बारीक सा पीस लेना है। देखिए, इसको मैं बारीक सा पीस ली हूँ, अच्छे से पीस गया है। इसको साइड में रख दे रही हूँ और सब्जी को मैं अच्छे से चला दे रही हूँ। देखिए, सब्जी अच्छे से फ्राई हो गया है ना, तो इसको मैं बर्तन में निकाल दे रही हूँ। इतना फ्राई हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का ही फ्राई करना है। सभी को निकाल दे रही हूँ, तेल को वापस कढ़ाई में छोड़ के। फिर थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, लगभग 2 चम्मच डाली हूँ। फिर इसमें डाल दे रही हूँ राई, फिर थोड़ी सी जीरा, फिर इसमें डाल देना है कटा हुआ प्याज को। फिर इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और आप अपने मनपसंद से मसाला ऐड कर सकते हैं। इधर देखिए, तब तक खीर भी 3 सीटी हो गया था मीडियम फ्लेम पे, तो बंद कर दी थी मैं गैस को और इसको उतार दी थी मैं। फिर इधर देखिए, मसाला जब भुन गया था ना, तो इसमें डाल दी थी टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट को, और अच्छे से पानी डाल दी थी जार में, और डाल दी थी फिर साथ में नमक भी डाल दी थी। अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, अच्छे से मिक्स करना है। जब बॉयल आ जाएगा, तो इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। फिर इधर तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ पूरी के लिए। आटा निकाल ली थी, अजवाइन डाल दी थी, नमक डाल दी थी, और इसको मैं अच्छे से गूंथ ले रही हूँ। एकदम सिंपल जब पराठा, सॉरी, पूरी बनाऊँगी ना, तो गूंथ ले रही हूँ आटा को, झटपट से गूंथ के रख देती हूँ, ताकि आटा भी ना अच्छे से सेट हो जाएगा पूरी के लिए। जब तक मेरा सब्जी बनेगा, तब आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा, इसीलिए पहले से गूंथ ले रही हूँ मैं। अच्छे से कूट ली थी, फिर इसको ढक के मैं साइड में रख दे रही थी। फिर इधर देखिए, तब तक मसाला अच्छे से भून गया था, तो इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। अच्छे से जब मसाला भून जाएगा ना, तो ही इसमें सब्जी को ऐड करना है। सब्जी डालने के बाद थोड़ी सी उसी बर्तन में पानी डाल दी थी, फिर डाल दी थी सब्जी में। फिर अच्छे से मिक्स करना है, सभी तरफ मसाला को अच्छे से कोटिंग कर लेना है सब्जियों में। फिर इसको लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट पकने देना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट। फिर दूसरे गैस में मैं पानी रख दे रही हूँ। पानी जब गर्म हो जा रहा है ना, तब तक मैं इधर कुकर को देख रही हूँ, जिसमें मैं चावल और खीर के लिए रखी थी ना, उसको मिक्स कर लेना है। देखिए, अच्छे से चावल अच्छे से पक गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। जो आलू मैशर आता है ना, उसे मैश कर दे रही हूँ इस तरह से। देखिए, इस तरह से अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैं दूध डाल दे रही हूँ। अब लगभग 1 लीटर दूध डाल रही हूँ मैं, 1 लीटर दूध डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से, और चम्मच से अच्छे से इस तरह से मिला लेना है। जो चावल, जो मतलब गुठलियाँ बन गया है ना, उसको अच्छे से फोड़ लेना है इस तरह से। देखिए, अच्छे से, फिर पानी भी गर्म हो गया था, गैस के फ्लेम को लो की थी, फिर कुकर रख दी थी इसे गैस पे। और इधर देखिए, तब तक सब्जी भी अच्छे से भुन गया था, 3 से 4 मिनट हो गया था, तो अच्छे से मिक्स कर दी थी सब्जी को, इस तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा भुन गया था सब्जी, तो गर्म पानी को डाल दी थी मैं सब्जी में,
सभी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें सभी मसाला पड़ गया है। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो डाल सकते हैं। फिर ढक्कन लगा दी थी और इसको मैं पकने दी थी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट, लगभग ज़्यादा नहीं 10 मिनट। और इधर देखिए खीर को मैं थोड़ा चला दे रही हूँ और इधर मैं काजू और बादाम के पैकेट को काट कर रही हूँ और निकाल रही हूँ थोड़ी सी काजू थोड़ी सी बादाम, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। अगर आपके पास किसमिस हो ना तो भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। ये सूखा वाला नारियल ले रही हूँ, छोटा सा नारियल भी ले ली हूँ, ये सूखा वाला है। अगर आपके पास कच्चा वाला नारियल हो ना आप उसको भी डाल सकते हैं, खीर में बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं पतले पतले से छोटे छोटे कट कर ले रही हूँ और इधर बादाम को भी दो दो पीस में कट कर ले रही हूँ और काजू को भी दो दो पीस में निकाल लेना है। जैसे बेसन टूटता है ना वैसे ही। देखिए तब तक खीर उबाला गया था तो मैं गैस को बंद करके उतार देती हूँ। फिर गैस ऑन करके थोड़ा सा वो जो फ्राई करने वाला आता है ना, दाल तड़का करने वाला चम्मच, उसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के सभी ड्राई फ्रूट और बादाम को डाल के अच्छे से भून लेती थोड़ा सा, फिर डाल देती मैं खीर में। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ऐसे खीर बनाएंगे ना। तब अच्छे से डालने के बाद इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती एक बर्तन में। ये खीर बन के तैयार हो गया है। इसको मैं ढक्कन लगा के साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फिर इधर गैस ऑन कर रही हूँ मैं और इसमें रख दे रही हूँ चावल, धो ली थी मैं, चावल रख दी थी साथ में। इधर देखिए सब्जी भी अच्छे से बन गया है, इधर चावल भी बन जाएगा तब तक इधर सब्जी बन गई है। तो गैस को बंद कर दूँगी मैं, आलू को चेक करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए आलू भी अच्छे से पक गई है, अच्छे से पक गए आलू, देखिए इस तरह से। तो सब्जी बन गई है, तो अगर आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर सब्जी को उतार दे रही हूँ मैं और उसे गैस को ऑन कर ली हूँ और रख दी हूँ तेल। और इधर पूड़ी बेल ले रही हूँ मैं, पूड़ी बेल के सभी को इस तरह से फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। एकदम अच्छे फूले फूले पूड़ी बन रहे हैं, पहले से आटा गूंथ ली थी ना तो इसीलिए अच्छे से पूड़ी बन जा रहे हैं। देखिए पूड़ी बन गया है। अब थाली लगा रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, इधर रख दे रही हूँ सब्जी मैं मुनगा आलू बैंगन की, और एक कटोरी में रख रही हूँ मैं ये खीर और चावल और साथ में गरम गरम पूड़ियाँ। आज ये रहा आज का मेरे यहाँ दोपहर का खाना, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।